Dear student friend follower, today we'll see characteristic and feature of Ernest Hemingway's protagonist or hero, the second autobiographical element in Ernest Hemingway's novel. The third one is that we've got another assignment, Hemingway hero. So what kind of hero Ernest Hemingway takes for his novel? So let's see one by one. Feature of Ernest Hemingway heroes. Ernest Hemingway के जो का जो typical trait उसके hero की क्या है, उसके अंदर pride है, उसके अंदर will power है, उसके अंदर ये आपके सामने नजर आ रहा है, उसके अंदर क्या है, pride है, will power होगी, courage होगा, humility होगी, endurance होगी, बर्दाश्त होगी, man is alone, क्योंकि modern इंसान है तो modern man is living in a chaotic and alienation and distancing and something like that and you know modern man in the state of to be or not to be, he's confused enough. Lot of things are in the modern era and you have to deal with lot of things, like you being a modern person, you know, we have lot of problems. In today's world we are totally alienated from society. What we are living in social media. So the problem is that society is totally alienated now. Ab alienation ka shikar hain, हमने जो रियल रिलेशन है वो दूर कर दिए हैं, सोशल मीडिया के जो रिलेशन है वो हमने अपने ऊपर छाए हुए हैं वो। हालांकि सोशल मीडिया के रिलेशन जो है, रिलेशन तो बनता ही तब है जब आप फेस टू फेस किसी चीज को देखते हैं। ये कैसा रिलेशन है कि आप सोशल मीडिया पे बिल्डअप कर रहे हैं, उसके बाद वो पता भी नहीं चलता कैसे ब्लॉक हो जाता है। द थिंग इज दैट द रियल रिलेशन इज दैट वेयर यू आर लिविंग, योर सराउंडिंग। So this world in which we are living, it's a modern world and there are a lot of problem and society in 6 and 7. तो ये society जो है, इंसान अपने आप को तनहा महसूस करता है, ये भी problem है society के अंदर। अच्छा जी, और क्या है, man is alone, इंसान alone है, कोई शक नहीं। Man can be destroyed but not be defeated. Ernest Hemingway के जो hero हैं वो आपको इस position में लगेंगे कि वो they are very persistent. They are very resolute, they are very constant. वो बड़े पक्के हैं, वो बड़े मजबूत हैं और उनके अज़्म जो हैं वो बड़े मजबूत होते हैं. They consider that they can be destroyed but can never ever be defeated. वो ये महसूस करते हैं वो destroy तो कर सकता है उनको कोई, लेकिन उनको कोई हरा नहीं सकता उन हीरो, वो इस तरह के हीरो डालता है. Quality of the struggle is more important than outcome. जो हम effort करते हैं वो ज़्यादा important है as compared to result. ठीक है जी, वो ज्यादा एफर्ट पे तवज्जो देते हैं, रिजल्ट जो है वो बाद की बात है उनके नजदीक. अच्छा जी, पहली बात तो ये है. उसके बाद देखें जी, या मैन गोटा डू व्हाट मैन गोटा डू, यानी जो उसके माइंड में आया वो ऐसा करैक्टर कर रहा है. करैक्टर जो है वो रिलीजियस नहीं है इसके करैक्टर जो है हेमिंग्वे के, दे आर नॉट रिलीजियस. एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाउ नावल लाइक अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय होम द बेल्ट ऑल और यू से द सन आल्सो राइजेस, इस तरह के नावल कैसे हम बायोग्राफिकल हैं वी सी. अच्छा जी, पहली बात तो ये है, ये बायोग्राफिकल नावल इस तरह बनता है. देखिएगा, हेमिंग्वे ने जो करैक्टर इसके अंदर डाला है हेनरी का, फ्रेडरिक हेनरी जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और लेफ्टिनेंट बतौर सिलेक्ट होता है, फ्रेडरिक हेनरी अमेरिका से इटली बतौर इंजीनियर अपनी मिनटों से वहाँ पे वर्क कर रहा है, तालीम हासिल करने गया है. लेकिन उसी दौरान जर्मनी और इटली की आपस में जंग होती है, जर्मन जो है जर्मन आर्मी इटालियन फोर्सेस के ऊपर हमला कर रही है. उस दौरान उसके मन में ख्याल आता है कि वो बतौर फन इस जंग को ज्वाइन करेगा. जब उसने जंग को ज्वाइन किया था उसे ये अंदाजा नहीं था कि जंग में लोग मरते हैं, डेथ होती है, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं. वो तो एज अ फन के लिए उसमें गया था. जैसे ही अभी उसे राउंड अबाउट कोई 10वां दिन था, यानी एट द 10th ऑफ हिज ज्वाइनिंग, व्हाट हैपेंस, एक जो मार्टल शेल होता है वो उनके पास गिरता है और उसमें हेमिंग्वे और उसके साथी जो हैं, वो जो साथी होते हैं कुछ की डेथ हो जाती है और ये जो है हाफ जो है जमीन में धंस जाता है अप टू हिज वेस्ट. उसके बाद वो इसको ये मैं बता रहा हूँ हेमिंग्वे की मिनट से, हेमिंग्वे और जो फ्रेडरिक हेनरी है उसकी लाइफ कैसे मिलती जुलती है. यानी हेमिंग्वे खुद बतौर यानी एम्बुलेंस ड्राइवर वर्क करता रहा है
फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये खब जब इसने इसके यानी कोई 10वां दिन था ज्वाइनिंग का, तो इसके साथ भी यही हुआ था। यानी ये हाफ उसमें फंस गया था और ये काफ़ी जख्मी हो गया था, वो उसको रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद ये बच जाता है, कुछ साथी जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब ये ऐसा सीन जो है, और फिर उसके बाद हेमिंगवे जो है उसका भी जो घुटना है वो जख्मी होता है, वाउंडेड होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इटालियन वहाँ पे नर्स होती है बड़ी खूबसूरत, और उस नर्स से उसे प्यार हो जाता है, लेकिन वो किसी अपनी फियांसी से बहुत मोहब्बत करती थी, वो इसको धोखा दे के दोबारा फिर यानी उसके साथ इन्वॉल्व रही, लेकिन उसके बाद वो अपने फियांसी के पास वापस लौट गई। उसने बल्कि इसको खत लिखा हेमिंगवे को कि मैं आई एम नॉट रेडी टू गो टू अमेरिका, आई हैव गॉट मैरिड विद वन ऑफ द ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर इन इटली, इटालियन आर्मी ऑफिसर से मैंने किसी से शादी कर ली है, एंड आई एम नॉट रेडी टू गो टू अमेरिका विद यू। ये हेमिंगवे की अपनी लाइफ है। अब व्हाट हैपन टू द हेनरिक फ्रेडरिक, फ्रेडरिक हेनरी, सो व्हाट हैपन टू द फ्रेडरिक हेनरी, फ्रेडरिक हेनरी जो है वहां पे इंजीनियर जो है स्टूडेंट है, वहां पे वार स्टार्ट हुई है, तो ये चूंकि उसका माउथपीस है हेमिंगवे का, तो उसने वैसा ही करेक्टर बनाया है। अब वो उस आर्मी को ज्वाइन करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि इसके इसमें तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, डेथ होती है, और बल्कि वो उसके बारे में कहता है कि जो जंग होती है, वार इज नॉट वॉन बाय विक्ट्री। जब वो यानी सारा मामला को देखता है, तो उसके अंदर वो कहता है कि वार कैन नॉट बी वॉन बाय विक्ट्री, यू कॉन्ट इवन विन वार। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप किसी वार को जीत लेंगे या कभी भी जीत लेंगे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन विन एनी वार। उसने कहा मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नेवर बी डिफीटेड, आप उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं, इंसान कभी हारता नहीं है। वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, आवर अनकंकरेबल विल द स्टडी एंड इमॉर्टल हेट, वट शुड नेवर बी आउटकम, नेवर बी ओवरकम। यानी इंसान अपनी विल पावर से जब तक ना हारे वो हारता नहीं है। तो एक दफा आप एक को हरा लेंगे, कोई और आ जाएगा उसके बाद, कोई और आ जाएगा, जैसे जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने शिकस्त दे ली, फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका और दीगर रशियन और इस तरह के दीगर कंट्रीज ने, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में देखा कि हम हिटलर जो है वो ज्यादा, जर्मनी का जो डिक्टेटर है वो ज्यादा खतरनाक तौर पर सामने आया, और उसने कहा कि मैं बदला लूंगा, और फिर वो कैसे लड़ता है पोलैंड और फ्रांस और इंग्लैंड और इसके बाद अमेरिका को भी सीधा हो जाता है और भी दीगर कंट्री को। इटालियन फोर्सेस और जापानीज जो थे वो इसके हवारी थे, यानी इसके साथी थे हिटलर के, यानी उस वक्त इन्होंने साथ दिया था सेकंड वर्ल्ड वार। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हेमिंगवे कहता है कि वार जो है वो किसी चीज का सलूशन नहीं है। इस अफेयरवेल टू आर्म का मतलब है कि जंगों को खुदा हाफिज, आई एम गोइंग टू लीव वार, एंड बिकॉज इन वार देयर इज नो सलूशन, वार में कोई सलूशन नहीं है, वो कहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वही लाइफ इसके हीरो की है, वही लाइफ उसकी है। वहां जो उसको नर्स मिली, उस नर्स ने उसे धोखा दे दिया, इटालियन नर्स ने, और उसने किसी इटालियन ऑफिसर से शादी कर ली। हेमिंगवे बहुत परेशान रहा, उसने वही करैक्टर मोल्ड करके उसके अंदर डाल दिया हेनरिक फ्रेडरिक हेनरी को। शायद उसके साथ भी उसके रिलेशन रहे हो, कितने रिलेशन रहे, फिजिकल रहे या जैसे रहे, वो तो उसने डिटेल नहीं बताया हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं जो हेनरिक फ्रेडरिक के रिलेशन थे वो बड़े डीप रिलेशन थे उस नर्स के साथ। नर्स जो है वो रात को उसके कमरे में आ जाती और वो दोनों जो है इंजॉय करते, हेनरिक फ्रेडरिक हेनरी जो है उन्होंने खूब आपस में उस नर्स के साथ पहले उसने इंजॉय किया, उसने भी उसको एज अ टाइम पास यूज किया, और उसने भी यूज किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दे लव ईच अदर, उन्होंने कहा कि हम तो एक दूसरे से प्यार करने लगे। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो जख्मी हो जाता है, वो उसी मिलान हॉस्पिटल में, यानी उससे पहले क्या करता है, सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, जब जंग स्टार्ट होती है तो फ्रेडरिक हेनरी छुट्टियों जब सर्दी होती है तो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इवन कि आप वहाँ पे बगैर कोट और उसके बाद जो उसके SOP होते हैं उसके बगैर आप बाहर ही नहीं निकल सकते, इतनी सर्दी यूरोप में। यूरोप का इलाका बड़ा ठंडा है, हमारे इलाके तो बड़े गर्म है ना, हम तो हार्ड किस्म के लोग हैं कि गर्मियों में सख्त गर्मी, सर्दियों में सख्त सर्दी, यानी हमारे इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पे सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त गर्मी, वहाँ पे मौसम बड़ा लाइट सा और ठंडा सा और इस तरह का मौसम रहता है, तो जो सर्दी जब पड़ती है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियों की हेनरी जो है Hello? वो हाँ जी कौन बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपको, हेलो
जी आप पाल काइंडली अपने स्पीकर को या माइक को देख लिया करें, एक फ्लो जो होता है वो टूट जाता है, पहले आपने कंफर्म कर लिया करें, मे बी देर इज अ टेक्निकल इशू। तो हुआ यूं कि सर्दियां चल रही हैं, है फ्रेडरिक हेनरी ने ज्वाइन कर लिया फॉर इटालियन फोर्स को फॉर फन, और उसके बाद छुट्टियां होगी। अब फ्रेडरिक हेनरी जो है वो एक यूथ है और वो एंजॉयमेंट में लाइफ गुजारना चाहता है, वोमिनिश है, वोमिनाइजर है, ही इज अ फ्रीक्वेंटर ऑफ द वुमेन, ही इवन ग्रो टू द ब्रॉथल्स। ब्रॉथल होते हैं ये रेड एरियाज, वहाँ पे डिफरेंट फीमेल्स को के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे, और वो अक्सर फ्रीक्वेंटर इटली के अंदर विजिटर था। वो मिलान जाता, वो रोम जाता, वो इस तरह के बड़े बड़े जो उनके सिटीज हैं वहाँ जाता, और डिफरेंट फीमेल के साथ उसने उसकी रातें बड़ी रंगीन गुजरने लगी। अब उसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है, उसने दोबारा उसको ज्वाइन करना है, और उस जंग के दौरान यानी एक जगह पे वो क्या जख्मी हो जाता है, उसका जो एंकल है, जो उसका वो घुटना है, वो जख्मी हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। डॉक्टर उसे 6 मंथ का टाइम देते हैं। उसका एक दोस्त है डॉक्टर रिनाल्डी, जो कि आल्सो एक वोमेनाइजर है, फ्रीक्वेंटर ऑफ वोमेन है, लस्टफुल इंसान है, डॉक्टर का पेशा भी है उसके पास। वहां उसके साथ एक नर्स काम करती है, वो उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। उस नर्स का नाम है कैथरीन बेल बार्कले। कैथरीन बार्कले को जब वो उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, वो बताता है कि मैं काफ़ी देर से इस लड़की के पीछे हूँ, लेकिन ये मुझसे लिफ्ट नहीं करवाती। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम एंड हैव अ फिजिकल रिलेशन विद हिम, बट शी इज नॉट रेडी। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो कहता है हेनरी तुम कोशिश करो, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करता है। फ्रेडरिक हेनरी जब वो हॉस्पिटल के बाहर निकलता है तो उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो उसे रिपेल करती है, उसे हटाती है पीछे। उसके बाद उनके रिलेशन जो है दोनों के डिवेलप होते हैं, फ्रेडरिक हेनरी और साथ उस नर्स के। उसको भी एक इंसान चाहिए कि जो उसके डेड उसके फियांसी की डेथ हुई है, तो ताकि उसको रिप्लेस कर ले। वो भी किसी मर्द की तलाश में है, और ये तो वैसे ही वुमेनाइजर है और फ्रीक्वेंटर ऑफ वुमेन है और लस्टफुल इंसान है, और ये जस्ट टाइम पास चाहता है उस नर्स के लिए, नर्स के साथ। और इसके लिए औरत के साथ रिलेशन जो है वो एक होर के जैसा है। ही कंसीडर द फीमेल्स जस्ट लाइक अ हॉर्स। हॉर्स मीन द प्रोस्टिट्यूट, दे आर सेलिंग देयर बॉडीज। तो वो यही समझता है कि सारी फीमेल्स जो हैं उनके साथ जस्ट एक फिजिकल रिलेशन बनाए उसके बाद छोड़ दें। तो व्हाट हैपन, उनका रिलेशन डेवलप होता है, इवन कि वो बाद में जख्मी हो जाता है, और वो जिस हॉस्पिटल में आके एडमिटेड होता है उसे पता चलता है कि उसी नर्स का वहाँ पे तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। हेनरी बहुत खुश हो जाता है, हेनरी को वही नर्स जो है वो लुक आफ्टर करने जा रही है जिसके लिए वो फिजिकली अट्रैक्टेड है, और रात को वो उसके अक्सर पास आ जाती, और उन्होंने अपना रिलेशन डेवलप किया, और अल्टीमेटली वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। हेनरी जो है उसको टाइम मिला है, 6 मंथ के बाद उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन वो चाहता है, वो बेड रेस्ट नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका जल्दी ऑपरेशन हो जाए। उसके लिए वो एक और डॉक्टर की खिदमात हासिल करता है। वो डॉक्टर उसे टाइम देता है कि वो इसका जल्दी ऑपरेशन कर देगा, और वो दूसरे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो उनको चैलेंज करता है कि कौन कहता है कि इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए। उसे कहता है कि इसके लिए हम जल्दी इसको ऑपरेशन कर देंगे। उसका ऑपरेशन करता है, उसके बाद अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हेनरी जो है उसने अब वापस जाना है, और वो वापस जाता है, और उसके बाद फिर उसको ज्वाइंडस हो जाता है। ज्वाइंडस के बाद उस वहाँ पर एक डॉक्टर होती है, वो उसे कहती है कि हेनरी जो है ये शायद काम चोर है, ये काम नहीं करना चाहता। वो कहती है इसकी शराब की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो उसको डांटती है और उसको जल्दी ट्रीटमेंट करके उसको लिख देती है कि ये वापस जाए अपने काम पर। जब वो काम पे वापस जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ उससे कुछ इंजीनियर जो होते हैं इटालियन उनको कत्ल कर बैठता है। वहाँ से वो दौड़ता है, इटालियन फोर्सेस उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इटालियन फोर्सेस कहते हैं कि शायद ये जर्मनी की फोर्स का कोई सिपाही है, कोई उनका से जसूस है। वो उसको ताकब करते हैं, उसका ये उनसे वो पकड़ लेते हैं, और अल्टीमेटली ये वहाँ से दौड़ पड़ता है और नदी में कूदता हुआ अल्टीमेटली ये कैथरीन बार्कले के पास पहुँचता है, और कैथरीन को अपने साथ लेता है, और बोट के जरिए ये स्विट्जरलैंड चला जाता है। स्विट्जरलैंड में वहाँ बार्कले के यहाँ एक बेटा, एक बच्चे की पैदाइश होती है जो कि डेड पैदा होता है। अब वहाँ से परेशान ये अपने रूम की तरफ जा रहा है, स्टोरी एंड होती है। अब दूसरे भी अगर इसके आप देख लें, बाय होम द बेल टॉल देख लें, या सन आल्सो राइज देख लें, उस पर भी नर्स होगी या कोई ऐसी लड़की होगी, वो एक फाइटर होगा, वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये इसकी अपनी लाइफ है जो कि एक बायोग्राफिकल स्केच है।
आपने ये परेशान नहीं होना, ये उसकी एक बायोग्राफिकल स्केच उसकी लाइफ है। हम थोड़े से इधर से पॉइंट डिस्कस करने के बाद असाइनमेंट पे आती हैं। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द करेक्टर ऑफ द फ्रेडरिक हेनरी बाई स्टडिंग हिज करेक्टर इन वार, हिज करेक्टर एज अ लवर। यानी उसके करेक्टर जो हैं बड़े लस्टी होंगे, बड़े लवर किस्म के होंगे, वार भी होंगे, वार भी उनके अंदर होगी, वो प्रोटैगनिस्ट हीरो भी होंगे साथ, वो वार और लव जो है, वार यानी वो लव कर रहे हैं, लव भी चल रहा है, बैकग्राउंड पे वार चल रही होगी। आप कोई भी नावल इसका पकड़ लें, उसमें यानी फ्रंट पे गया कि लव अफेयर चल रहा है, बैकग्राउंड में वार चल रही है, कोई फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार उठा लेगा, दोनों इसने देखी। फ्रेडरिक हेनरी इन वार एंड द कैजुअल सुपरफिशियल इन हिज एटीट्यूड टू वार, ही इज एन अमेरिकन वॉलंटियर हिमसेल्फ फॉर द फॉरेन कॉज़। यानी वो वहां पे हेनरिक फ्रेडरिक जो है, फ्रेडरिक हेनरी जो है वो वहां पे कोई वॉलंटियर या तो वॉलंटियर था, लेकिन उस वॉलंटियर के पीछे उसका मकसद ये था, वोमेनाइजर था, लस्टफुल था, सेक्सुअल था, औरतों के साथ ताल्लुक बनाना, विजिटर ब्रॉथल को विजिट करना, रेड एरिया को विजिट करना, और प्रोस्टिट्यूट्स को विजिट करना, हॉर्स को विजिट करना और उनको बतौर सेक्स यूज करना, ये उसका मेन पर्पस था। वो तो वैसे ही गया था इंजॉयमेंट के लिए बाद में। हिज रीजन फॉर दिस सर्विसेज इज नॉट क्लियर इवन फॉर हिमसेल्फ, कि वो क्यों यहाँ पे आया उसको ये क्लियर नहीं था। देखिए वॉलंटियर वर्क होता है कि अनपेड वर्क होता है, आपके इंटेंशन दूसरी माइंड में ना। कश्मीर में जब जल्जला आया तो बहुत सारे लोगों ने कश्मीर का रुख किया, अब वहां पे वो हेल्प करने नहीं गए, उन्होंने कहा वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो उनकी बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो लावारस हो गई इन लोगों ने, इतने जालिम थे ये, वहां से बच्चियों को लेकर आ गए और उन बच्चियों को फिर रेड एरिया पे और इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूट बना दिया और बेचारियों को बेच दिया इन लोगों ने। तो ये लोग क्या करते हैं नेकी के नाम पे, क्या क्या, देयर इज नो ह्यूमैनिटेरियन कॉज स्पेसिफिक सीन इन करेक्टर। हमें कोई इंसानी कॉज उसके अंदर नहीं लगती कि इंसानियत की के लिए वो वहां पे लड़ने गया है, वो हेल्प करने नहीं, ऐसे लगता गया वो कोई अपनी लस्ट को पूरा करने गया था। ही होल्ड द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट बट डज नॉट शो एनी पैशन और फेवर ऑफ हिज जॉब। वो उसको ओहदा तो बहुत अच्छा देते हैं लेकिन वो कहीं नहीं लगता कि वो कोई लेफ्टिनेंट का काम कर रहा है। शोज अ पैशन आर द फेवर्स ऑफ हिज जेब, और उसको अपनी जॉब में ऐसे लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही हैज नो इंटरेस्ट फॉर द जॉब। इवन ही टेल लाइज अबाउट द वर्किंग एट द बॉर्डर हैविंग अ गुड टाइम। अ गुड टाइम टू द हेनरी मीन्स स्टैंडिंग टाइम बाय हिज ओन वे। ही इज फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग एंड रेगुलरली विजिटिंग ब्रॉथल एट द वॉर फ्रंट, और वो ब्रॉथल जाता, वहाँ रेड एरिया में जाता, लस्ट अपनी पूरी करता और फीमेल से ताल्लुक बनाता। नर्स जो कैथरीन बर्कले जो थी वो बड़ी खूबसूरत है, उसके हेयर बड़े खूबसूरत हैं, तो उनमें इसलिए इन्वॉल्व हो गया। ही वॉन्ट्स टू यूज हिज एज अ सेक्स टूल, नथिंग एल्स। वाइल ऑन लीव ही निगलेक्ट्स द प्रीस्ट एडवाइस टू विजिट द अब्रूजी एंड मीट द प्रीस्ट फैमिली एट द कैप्राकोटा। He find more pleasures in wines and women while in leave, on leave. यानी वो लीव में किस में, अगर कोई छुट्टी है तो वो कहाँ स्पेंड करता, किसी ब्रोथल में, किसी प्रोस्टिट्यूट के हाँ, किसी हॉर के हाँ, किसी काल गर्ल के हाँ, किसी गर्लफ्रेंड के हाँ, किसी बार्कले जैसी औरत के हाँ। सेल्फ ये आगे देखिए, ही डज नॉट डिसीव हिमसेल्फ रिटर्निंग फ्रॉम लीव, ही फाइंड हिज एम्बुलेंस फाइन, कंसीडर हिज प्रेजेंस एंड एब्सेंस द सेम मैटर फॉर दोज एट द वॉर फ्रंट। He does not exaggerate. He is outside as inside he is. जैसा वो बाहर से है वैसा ही वो अंदर से। यानी एक तो होता ना एक इंसान के अंदर उसने अपने आप को छुपाया होता है कि वो बाहर से कोई स्कॉलर है तो अंदर से कुछ और। But he is quiet from outside and inside. वो दोनों साइड से वैसा है। और इसका काम भी शायद इसलिए अच्छा लगता है कि ये बड़ा रियलिस्ट लिखता है। इंसान के अंदर देखें बुराई और अच्छाई दोनों होती है। ऐसा लिटरेचर हमें अपील करेगा जिसके अंदर हमें दोनों चीजें मिलें, जिसमें आप जस्ट एक आइडलाइज्ड वर्ड दिखा रहे हैं तो फिर तो आप इतने मुतासर नहीं होते ऐसे लिटरेचर। तो ये लिटरेचर आपको ऐसे ना क्लोज टू रियलिटी लगेगा। ऐसे करेक्टर हैं जो रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं। फियरलेस एंड सिंपैथेटिक, ही डज नॉट फियर द रेन्स आर द शेल एक्सप्लोडिंग अराउंड हिम। यानी वो बड़ा जैसे कहते हैं मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड मैन नेवर बी डिफीटेड। इंसान को आप तबाह कर सकते हैं लेकिन डिफीट नहीं कर सकते। He does not fear the rain of the shells, जो उसके साथ rain of shell हो रही है, explode हो रहे हैं, bomb explode हो रहे हैं, mortar explode हो रहे हैं, he does not fear her. Even his own ankle was wounded and he does not care about all this. And he is just like a man can be destroyed but never be defeated. इस पे वो अमल करता है।
वायल विजिटिंग द वॉर फ्रंट. ये मैंने जो पहले करेक्टरिस्टिक बताई है ना उसके हीरो की, ये जरूर आना, ये क्वेश्चन हर सूरत आना है, ठीक है. और ये सारे ट्रेट्स आप लिख लें और इनको आपने हूबहू लिखना है वहां. ही इवन हेल्प वॉन्डेड सोल्जर्स एंड टेक्स हिम टू द हॉस्पिटल. उसके बाद फियरलेस एंड सिंपैथेटिक, ही डज नॉट फियर द रेन. ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में देखें. एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ही शोज सिंपथी विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. यानी एम्बुलेंस ड्राइवर हमने देखा कि वो दो फीमेल की मदद करता है और इंजीनियर से कहता है कि भाई आप हेल्प करो, ये गाड़ी को प्रॉब्लम आ गया. वो उसकी हेल्प नहीं करते, वो उनको शूट कर देता है. यानी एज बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो लोगों की हेल्प भी करता है. जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर को आप फोन करें तो वो फोन पहुंच जाते हैं. नो वार हीरो, नो इल्यूजंस एंड नो वैनिटी. बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, बड़ा रियल सा, जो उसके अंदर है वही बाहर है. ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं. He was willing to join the war as a fighter, but being medically unfit, join ambulance. वो लड़ना चाहता था जंगों के अंदर, लेकिन वो एक अनफिट होता है मेडिकली. हमने अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ पढ़ी कि वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता लेकिन आई साइट वीक की वजह से ज्वाइन नहीं कर सका. लेटर वो एम्बुलेंस ड्राइवर बन जाता है. ये हेमिंग्वे के साथ भी हुआ. ही नोज दैट द ड्राइवर्स आर समथिंग किल्ड इन द वॉर, बट दे डू नॉट गेट अ चांस टू किल. He seemed to be believe that this risk in the war is not great. He wishes that the war should end. He is less willing to keep it going. क्योंकि वार के अंदर क्या होता है, कर्फ्यू लग जाता है. वार के अंदर आपने देखा होगा कि बंद कर देती हैं, लाइट बंद कर देती हैं, लाइफ जो है वो बड़ी लॉकडाउन पोजिशन में आ जाती है, लाइफ जो है वो बड़ी आइसोलेट हो जाती है, लाइफ जो है वो बड़ी कन्फाइंड हो जाती है. लोग बाहर नहीं निकलते, बहुत सारी एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, लोग मरते हैं दोनों साइड पे, सफोकेशन, डेथ, लोगों के व्यू और लोगों के जो सोच है वो भी हेमिंग्वे ने खुद देखी है, वर्ल्ड वार वन, और उनकी लोगों की सोच भी देखी है. अब वार अब देखें, इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पेंडेमिक की वजह से मारे गए, ठीक है. अब लोगों का इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या व्यू है वो आपको पता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं, कितने डिस्टर्ब हैं, कितने परेशान हैं. हमने ये लाइफ देखी है तो हम आने वालों को बताएंगे यार एक दफा कभी पेंडेमिक अगर हम बच गए तो. नोबडी नोज व्हाट इज गोना हैपन टुमारो, व्हाट इज गोना हैपन वी डोंट नो. एंड कोरोना वायरस इज सच काइंड ऑफ डेंजरस वायरस, इवन यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, ही इज अ साइलेंट किलर. यू आर किल्ड एंड यू डोंट नो, यू कैन बी किल्ड यू डोंट नो. तुम इसे मर सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है. और ये उस वक्त पता चलता है जब 90% ये लंग्स को डैमेज कर देता है. तो बात ये है कि हम भी कभी बच गए तो हम बताएंगे यार एक कभी ये पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे. तो वाइल ऑन द वार फ्रंट ही इज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड रेडी टू रिस्क. Ready to risk, वो रिस्क लेने जानता है. His life are fellow soldiers. We see no vanity in his character. Vanity होता दिखावा. हम देखते हैं कि उसके character के अंदर कोई vanity भी नहीं है. जैसा वो बाहर से है, इसीलिए शायद हमें ये अच्छे लगते हैं. इसका novel जो है, एक बड़ा straight forward सा होता है. Vanity का मतलब होता है दिखावा, शो करना. जब आप शो कर रहे हैं कोई चीज, उसको कहते हैं showy. अच्छा जी, ही इज सीरियस व्हेन जॉब डिमांड हिज सर्विसेज, परसिस्टेंस ऑफ द थॉट ऑफ वर्क. जी आवाज आ रही है आपको, आवाज का इश्यू है तो कॉल नहीं. द परसिस्टेंस ऑफ थॉट ऑफ वर्क. परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, पक्का. द सेंस ऑफ द गिल्ट डेवलप इन हिम ड्यूरिंग वार डज नॉट लीव हिम इवन आफ्टरवर्ड. On the train in the Stresa, he keeps a newspaper in hand but avoid reading it. He does not want to remember war. While talking to the Count Greffi, he avoid talking about war. In the mountain with the Catherines, he hardly thinks about war. Yani jab wo apni life mein jata hai to wo bhool jata hai sab kuch. Wo kehta hai main war ko bhoolna chahta hu, main ladai ko, main fighting ko, logon ka marna, murdering ko, ye sari activity ko main bhoolna chahta hu. He is for internet connection ka I think aapki side pe kisi ka issue hai. He is far away from war forever at the end of the novel.
फ्रेडरिक हेनरी एज अ लवर, अब वो लवर कैसा है? ही इज अ फिजिकल लवर इनिशियली, यानी वो सोल का लवर नहीं है, वो फिजिकल लवर है, वो बॉडी का लवर है, वो बॉडी चाहता है, चाहे वो ब्रोथल में मिले, रेड एरिया में मिले, कोई सेक्स के लिए मिले, या कोई वो प्रोस्टिट्यूट या होर मिल जाए, तो सारी उनके लिए जो एक डिसेंट वोमेन है, नर्स है या जो भी है, उसके लिए वो सब उसको फिजिकली अट्रैक्शन के लिए देखता है। द एक्सपीरियंस ऑफ लव विद कैथरीन बार्कले मेक्स हिम अ स्पिरिचुअल लव, अल्टीमेटली वही जो फिजिकल लव है उसे स्पिरिचुअल लव की तरफ ले जाता है, फिर वो उसे सच्चा प्यार करने लग जाता है। ही इज केयरलेस अबाउट द सोसाइटी एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिलीजियस नॉर्म्स इन द मैटर ऑफ लव विद कैथरीन। ही कॉल्स हिज गर्लफ्रेंड हिज वाइफ बिफोर ऑल, वो उसे कहता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो। चेंज इन हिज क्वालिटी ऑफ लव, ही इज द फिजिकल लवर हैप्पी विद अल्कोहल इन ब्रॉथल एट द बिगिनिंग ऑफ द, पहले पहले हमने देखा वो रेड एरिया, ब्रॉथल और इस तरह की प्रोस्टिट्यूट और वो होर के पास जाना उसका एक मशगला था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसे कैथरीन बार्कले मिली, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज हैविंग ब्यूटिफुल हेयर, शी इवन इंस्पायर्ड हर एंड शी गिव्स हिम स्पिरिचुअल लव, अल्टीमेटली ही टर्न्स टू द स्पिरिचुअल लव फ्रॉम फिजिकल लव टू द स्पिरिचुअल लव। जैसे जॉन डन कहता है कि मैंने बहुत सारी लाइफ गुजारी, मैंने लस्ट की लाइफ गुजारी, मैंने सेक्सुअल लाइफ गुजारी, मैंने मेल फीमेल के साथ रिलेशन बनाए, अल्टीमेटली जॉन डन फिजिकल लव से स्पिरिचुअल लव, लव यानी वर्ल्डली लव से डिवाइन लव की तरफ आता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये द वल्गैरिटी ऑफ द ऑफिसर मेस एंड द रोमांस लेस लव ऑफ द होर हाउस। होर हाउस क्या होते हैं? ये जो औरतें होती हैं प्रोस्टिट्यूट, इनको कहते हैं होर हाउस। Because become distasteful to him and he regrets having treated Kathryn so lightly. Away from her, he feels lonely and empty, lonely and hollow. उसके साथ चूंकि एक फिजिकल रिलेशन बना हुआ है उसका, तो उसके बगैर वो बड़ा तनहा सा महसूस करता है। अब वो कैथरीन के बगैर बड़ा तनहा महसूस करता है। Feeling of emptiness in spite of the romantic bliss. His affair with Kathryn can't be regarded mystic sort of love at very beginning. After a night of love with her, he feels hollow and hungry. पहले वो कैथरीन को मिस्टिक सॉर्ट नहीं समझता था बिगनिंग में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन ही स्पेंट हिज नाइट विद हर एंड अल्टीमेटली कंसीडर्ड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट कैथरीन। आफ्टर हिज एस्केप फ्रॉम द मिलिट्री पुलिस ही फील हॉलो and hungry. After his escape from the military police, he feels hollow and sick, lonesome inside and alone. और फिर उसे वो लेके स्विट्जरलैंड चला जाता है बोट के जरिए। Perhaps his condition is a subconscious longing for Kathryn return to him. He's better with Kathryn while with the Kathryn. Afterward, he say it is a grand here, it is a nice, both fully committed to each other's and Kathryn say, Don't let me spoil your fun, darling. I'll go back whenever you want. He forgets the wounds, the scars, the wars, scenes, and the worries of the world while being with her. जब उसके साथ होता तो वॉर की डिप्रेशन, लड़ाई, मर्डर्स और एवरीथिंग ही फॉरगेट्स एंड ही स्टार्टेड स्पेंडिंग लाइफ विद हिज गर्लफ्रेंड लेडी हेनरी। Distractions, vanings of the happiness. Although happy with the Kathryn's in horse riding, drinking, and love making, he is distracted to war. He feels difficult with the war memory and want to reach some peaceful land. वो चाहता था कि उसके साथ स्विट्जरलैंड या किसी खूबसूरत से इलाके में जाए और वहाँ पे अपनी लाइफ जो है मजीद गुजारे, जंगों को खुदा हाफिज कह दे, और वो जंग को कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कहता हेमिंग्वे। He loves Kathryn but feels unsatisfied comparing the past of the warring, whoring and time wasting. कि उसने जितने भी औरतों से ताल्लुकात बनाए, सेक्सुअल बनाए, लस्टफुल बनाए, उसने ब्रॉथल विजिट किए, रेड एरिया विजिट किया, वेमन के पास गया, वेमनाइजर रहा, तो उसने कहा कि वो सारा मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम था, अब मुझे रियल लव मिल गया है। While on leave to the Switzerland, he said to Kathryn, Oh darling, I love you so, yet he senses trouble in paradise. For him, reducing himself to the smallest word of the Kathryn proved fruitful. She said, "You will fall in love with me all over again." तुम बार बार मेरे साथ यानी प्यार करोगे। अब आखिर में क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड ही takes her
away from Italy to, you know, Switzerland. Over there, she is, writers say, critics say that she was biological killed. देखिए, कुछ औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है. अब रिसेंटली जो हमारे रिलेटिव में एक बच्ची की डेथ हुई है, इस तरह शी वॉज प्रेगनेंट एंड ऑपरेटेड एंड अल्टीमेटली शी डाइड. तो अक्सर बच्चियों की अर्ली शादी कर देना, उसकी वजह से उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है. तो इसकी भी अब ऐसी इसी तरह डेथ हो गई है कैथरीन की. ही प्रेज टू गॉड एंड इज नॉट रेडी टू बी फादर. वो कहता है कि मैं फादर नहीं बनना चाहता. द चाइल्ड फॉर हिम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द नाइट इन मिलान. वो उसे लगता था कि जो उसने मिलान में रातें गुजारी हैं, इसके साथ वो उसी की एक प्रोडक्ट है. नॉट गुड वन, अच्छा नहीं है. तो अब ये बायोलॉजिकली एक ट्रैप जो है उसने बिछाया है, कुछ क्रिटिक कहते हैं उसकी वजह से उस बेचारी की डेथ हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बहुत सारी औरतों की शादी, बच्चियों की, फीमेल की अर्ली शादी कर दी जाती है और उसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है, या ऑपरेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं होता, उसकी वजह से डेथ हो जाती है. रिसेंटली हमारे रिलेटिव्स में एक ऐसे ही फीमेल की डेथ हुई कि उसका ऑपरेशन शायद ठीक नहीं हुआ और रिसेंटली वो बेचारी आफ्टर 5-6 डेज उसकी डेथ हो गई. तो ये जो इसमें बताया गया है यही बात है. अब देखिएगा, एक हमने